बड़ी खराबी पैदा हो रही है। प्लीज बैठ जाइए अपनी अपनी जगहों पर। और ये जो डाइस का इंतजार होता है इससे पूरा मुशायरा मुतासर होता है। डांस वाले को भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मैं चाहती हूँ कि डांस वाले भी थोड़ा बहुत हौसला अफजाई करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप पढ़ना मैं शेर हाजिर करती हूँ, सुनिए। तू न समझेगा कभी, मैं भी न समझा पाऊंगी। तू न समझेगा कभी, मैं भी न समझा पाऊंगी। और शेर जी आपके दामन में रखती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरी तन्हाइयों को दूर करने के लिए, मैं तेरी तन्हाइयों को दूर करने के लिए दौड़ कर आ जाऊंगी, मुझे जो बुला कर देख ले, मुझे शेर हाजिर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि शेर से इंशाल्लाह आप काम सुनेंगे। मैं शेर हाजिर करती हूँ, सुनिए। घर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं भी फख्र से, सुनिए। घर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं भी फख्र से, घर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं भी फख्र से, घर तेरे माँ घर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं भी फख्र से, साथ चलूंगी तेरे बाला कर देख ले, ऐ मेरे दिलबर मुझे अपना बना कर देख ले। गदर का आखिर शेर हाजिर करती हूँ, समझ लो। मैं अपना चेहरा तेरे दिल के आईने में रख दिया, अपना चेहरा तेरे दिल के आईने में रख दिया, अपना चेहरा तेरे दिल के आईने में रख दिया, जब भी चाहे मुझे गर्दन झुका कर देख ले, मेरे दिल पर मुझे अपना बना कर देख ले। लेकिन चार चार की जिस तरह गीत में हंगामा होता है वैसे ही चार चार के असल में आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये जो नौजवान आगे बैठे हैं बहुत देर से खामोश से हो गए हैं। शायरा बार बार ये गुजारिश कर रही है कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा आप दादू तहसीन की सदाएं बुलंद कीजिए। मैं ये सब इस तरह के जुमले नहीं बोलूंगा, बल्कि एक जुमला बोल के मैं काम चलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप तक बात पहुंचेगी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप देखने से फारिग हो गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको दाद भी देनी है। और वैसे भी गुले सभा बहुत अच्छा पड़ती है।
बहुत अच्छे कलाम से नवाज रही हैं, ये गीत भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। एक खाता है मुशायरे और कवि सम्मेलन होने लगे।